सलाम वालेकुम, क्या हाल है, कैसे? मेरे यार फ्रेंड, उम्मीद करता हूँ आप सब खैर ऑफिस होंगे। आज जो कि काफ़ी दिन के बाद मैं वीडियो बनाने लगा हूँ टीचिंग के, उसके अलावा मैंने एक दो ब्लॉग आपके साथ अपने चैनल पे शेयर किए। एक्चुअली मेरी तबीयत खराब थी, जिसकी वजह से मैं कुछ दिन वीडियो आपके लिए डिजिटल मार्केटिंग की प्लेलिस्ट नहीं बना पा रहा हूँ। तो इंशाल्लाह बहुत जल्द डिजिटल मार्केटिंग की मज़ीद वीडियो आपके सामने आएंगी। आज हम जिस टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं वो है नहायत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक, और इस टॉपिक में मैं आपको बताऊंगा, काफ़ी लोग के क्वेश्चन थे कि हम डिज़ाइन कैसे बनाएं, कोई ऐसा एआई टूल हमें बता दे जो हमें डिज़ाइन बना के दे दे। तो आज की वीडियो सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए लेके आया हूँ जो एआई से डिज़ाइन बनवाना चाहते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं एआई क्या, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इसके जरिए हर चीज़ सिर्फ सिंगल क्लिक पर आ गई, आप उसके जरिए कोडिंग कर सकते हैं, जो कि मैंने अपने डिजिटल मार्केटिंग की वीडियो में बताया है। तो आज की इस वीडियो में जानेंगे कि हम खुद से कैसे डिज़ाइन बनवा सकते हैं थ्रू एआई के थ्रू। तो चलते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर, दिखाता हूं मैं आपको। तो एक वेबसाइट है जिसका नाम है designer.ai, इसके ऊपर जाएंगे आप, ये designer.ai ये वेबसाइट है। सिंपल आप साइन इन करेंगे, आप साइन इन थ्रू गूगल कर सकते हैं, हम साइन इन थ्रू गूगल कर रहे हैं अभी और हम ये कंफर्म कर रहे हैं ईमेल अपनी, और यहाँ पे आई अग्री, सक्सेसफुली लॉगिन हो गया। थैंक्स फॉर जॉइनिंग designer.ai, आपकी कंट्री कौन सी, सिलेक्ट योर कंट्री, हम कंटिन्यू करते हैं, कतर है, ओके। ये देखें, ये हमारे पास ये कह रहा है सेव 20% एक्स्ट्रा फॉर एनुअल प्लान, इसको छोड़ दें अभी, हम ट्राई फॉर फ्री करना चाह रहे हैं। तो हम इसमें से कोई एक ले लेते हैं, फर्स्ट ही ले लेते हैं, क्रिएट पावरफुल कंटेंट AI, इसके ऊपर गए, यहाँ पे आ गए। हमने सिंपली लिखा, कोई भी चीज हम लिखेंगे इसका वो डिजाइन हमें बना के दे लेगा। हम लिख लेते हैं क्रिएट अ डिजाइन अबाउट सोशल मार्केटिंग। हमने इसको बोला कि हमें एक सोशल मीडिया मार्केटिंग का डिजाइन बना के दे दो, हमने सर्च कर दिया। कॉपीराइट ईमेल ई कॉमर्स ह्यूमन रिसोर्स मार्केट रिसर्च, हम इस पर गए, हमने सिंपल बिजनेस ये ले, हम गोल अचीव, और ये सबसे पहले हमें जनरेट टेक्स्ट भी करके देगा, ये आपको दिखाता चलो, इसने हमें ये टेक्स्ट जनरेट करके दिया, ये फुल टेक्स्ट जनरेट करके देगा। अभी हम चलते हैं और मैं आपको बताऊंगा कि इमेज कैसे जनरेट करते हैं। बहुत मजे का टूल है, बहुत ही मजे का। ये देखें, ये अभी अब इसने हमें टेक्स्ट क्रिएट करके दे दिया। फॉर एग्जाम्पल हम इसको गए टेक्स्ट को नोटपैड पे गए, हमने अपने नोटपैड पे ये टेक्स्ट लिख लिया जो हमारी पोस्ट का टेक्स्ट होगा। फिर हम टूल्स पे गए और फिर हम क्रिएट पे गए और ये डिजाइन मेकर पे चले गए, फिर टूल पे गए और डिजाइन मेकर पे गए। अभी हम इसको देते हैं क्रिएट अ पोस्ट अबाउट सोशल मीडिया मार्केटिंग, इसको हम सर्च करते हैं। ये देखिए, इसने हमें डिजाइन बना के दे दिए, ये भी अच्छा डिजाइन है, बुरा नहीं है। ये देखिए, आपके सामने डिजाइन बन गया है, इसको हम एडिट भी कर सकते हैं अपनी तरफ से। ये देखिए, हम फॉर एग्जाम्पल इसको अपना नंबर लिखना चाहें, इसमें हम अपना नंबर लिख सकते हैं, जैसे मैं अपना नंबर लिख रहा हूँ 411751, ये अपनी वेबसाइट लिख रहा हूँ मैं। www.lt.com, ये मैंने अपनी वेबसाइट का लिंक कर लिया,
और इसने ये हमें प्यारा सा डिज़ाइन बना के दे दिया है। हम इस लोगो को अभी मिटा देते हैं। देखिए इसने प्यारा सा एक डिज़ाइन बना के दे दिया। अब हम इसको सिंपली डाउनलोड करते हैं। इजी स्टेप है डाउनलोड। अभी हम इसको बाय नहीं करेंगे तो ये वाटर मार्क के साथ आएगा, ये चीज़ याद रख लेना। और वो भी हटाने का भी मैं आपको प्रोसेस दिखाऊंगा। ये हमारे पास देखें डाउनलोड हो चुका है, ये प्यारा सा डिज़ाइन हमारे पास डाउनलोड हो चुका है। ये देखें, उसके अलावा हम इस टूल के जरिए और भी ये टेम्पलेट्स बने हुए होते हैं, वो टेम्पलेट्स वो भी मैं आपको दिखाता चलूँ। ये देखें, इनमें से कोई आप टेम्पलेट्स भी चूज कर सकते हैं, उसका खासा आप इसको यूज कर सकते हैं। और इसके कौन ग्राफिक मेकर भी है, ग्राफिक्स मेकर में क्या है ये भी हम देख लेते हैं। वाओ, इलिस्ट्रेशन भी करता है, सच इलिस्ट्रेशन सब्जेक्ट। हम ये लिखते लिखते रजिस्ट्रेशन करके देगा हमें। अच्छी, ये फ्री है, इसको हम सिंपली यूज कर सकते हैं। ये देखें, ये हम रजिस्ट्रेशन के तौर पर भी यूज कर सकते हैं। वाओ माशाल्लाह से अच्छा है। स्क्रीन डिलीवरी मैन आ गया, ऑनलाइन ट्यूटोरियल आ गया, पेंटर आ गया, अच्छी वेबसाइट है। इसको आप जाए एआई राइटर पे जाके हम इससे ब्लॉग भी राइटिंग करवा सकते हैं। ये देखिए, ब्लॉग राइटिंग के लिए हम इसके ऊपर गए और सिंपली हाउ टू ब्लॉग पोस्ट, ये आगे ना, ये देखें हमने स्पेसिफाई योर रोल हमने देना है इसको मार्केटिंग मैनेजर दे देते हैं, ठीक है। और टॉपिक Power to access WordPress development. Okay, और हम इसको जनरेट टेक्स्ट करते हैं, देखते हैं हमें बना के देता है या नहीं। वाह, ये देखें, ये हमें अभी एक पूरा ब्लॉग लिख के दे देगा विद इन सेकेंड्स। ये हमें पूरा ब्लॉग लिख के दे दिया है, पूरा प्रॉपर वे दिखाता है। देखें टाइटल है इसने बना दिया खुद अपने पास से, आप बिगिनर गाइड्स हाउ टू एक्सेस वर्डप्रेस डेवलपमेंट, इंट्रोडक्शन वर्डप्रेस की दिखा रहा है। फिर वो कहता है एक लोकल होस्ट लें, जिसने इसने सैम्प उठाई जो मैंने अपनी एलटीज की वीडियो में आपको ब्रीफली करके दिखाया है ये कैसे करता है। फिर उसने सैम्प पे इंस्टॉल किया, फिर वर्डप्रेस इंस्टॉल किया, फिर उसने एक्सट्रैक्ट फाइल की डेटाबेस को उठाया, फिर उसने वर्डप्रेस इंस्टॉल किया अपने डोमेन पे जाके। ये फुल प्रोसेस है। ये देखिए, इसने विद इन चंद सेकंड में एक ब्लॉग भी बना के दे दिया। तो उम्मीद करता हूँ ये सॉफ्टवेयर बहुत बहुत ज़्यादा आपको अच्छा लगा होगा। ये विद इन फ्यू क्लिक में इसको आप ऐसा करें, इसमें किसी भी इसको हम एक काम आपके सामने, काफ़ी लोग कहते हैं कि ये कॉपीराइट प्लेजरिज्म प्लेजरिज्म होता है इस सब कंटेंट में, हम इसको प्लेजरिज्म चेक कर लेते हैं आपके सामने। हम इस प्लेजरिज्म चेक करने के लिए वो मैं आगे आपको ब्रीफली बताऊँगा और भी टूल्स। अभी सिंपली हम स्मॉल एसईओ टूल है इसके ऊपर जाते हैं, ये रहा स्मॉल एसईओ टूल, इसमें जाके हम यहाँ से प्लेजरिज्म चेक कर देंगे और अपना इसको ब्लॉग को चेक कर लेते हैं कितने परसेंट प्लेजरिज्म। प्लेजरिज्म वो होता है कि जो कोई भी कंटेंट किसी दूसरी वेबसाइट से चोरी किया होता है जिसके ऊपर प्लेजरिज्म आता है और गूगल एक्शन ले सकता है किसी भी साइट के ऊपर। इस वजह से आप कोई भी कंटेंट एआई का उठाने से पहले जाके मेक श्योर कर लेना उसका प्लेजरिज्म चेक कर लेना, ये बहुत ज़रूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे मैं आपको समझाऊंगा डिजिटल मार्केटिंग की प्लेलिस्ट में और एसईओ की प्लेलिस्ट में कि इसको क्यों जरूरी है ये काम करना। अभी ये हमें बता देगा कि प्लेजरिज्म इस साइट पे कितना है और ये कितना यूनिक कंटेंट है। विद इन सेकंड ये हमें बता देगा कि
इस साइट्स पे, ये जो ब्लॉग इस पे लिख के दिया है कितना प्लेजरिज्म है और कितना यूनिक है। और हम इसको ये भी कर सकते हैं कि इसको यूनिक भी बना सकते हैं, इसको रीराइट भी कर सकते हैं। सबसे ज़्यादा फायदा ये होता है, इस स्मॉल एसईओ टूल का सबसे ज़्यादा फायदा ये है। ये देखिए फर्स्ट लाइन इसकी प्लेजरिज्म आई है, क्योंकि मैं आपको बताऊंगा कि इसको यूनिक कैसे बनाते हैं। ये प्लेजरिज्म वर्डप्रेस इज अ पॉपुलर कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम दैट पावर्स मिलियन ऑफ वेबसाइट वर्ल्ड वाइड। इसको हम मेक इट यूनिक कर लेते हैं, इसको ऊपर क्लिक किया हमने और ये देखें ये इसने यूनिक बना के दे दिया हमें। उससे राइट किया और ये पैराफ्रेज कर लिया हमने इसको। हमने इसको पैराफ्रेज किया, अब चेक करते हैं इसको क्या हिसाब है। देखेंगे पैराफ्रेज करेंगे हम इसको, फ्रेशमैन की जगह हम अ पर्सन हु इज जस्ट स्टार्टिंग आउट ऑफ फील्ड ऑफ एक्टिविटी। हम गाइड कर लेते हैं इसको, पैराफ्रेज पे इंट्रोडक्शन कर लेते हैं, ऑपरेशन को हम मैनेजमेंट कर लेते हैं, इंट्रोडक्टरी को हम बेसिक कर लेते हैं, कंपेन को हम गाइड कर लेते हैं। इस तरह से करके हम इसको प्लेजरिज्म फ्री कर सकते हैं। ये देखना हमने सिंपल अभी किया और अब हम इसको चेक कर लेते हैं कैसा है। सिंपल गए, फिर से प्लेजरिज्म चक्कर पे गए हम और वापस इधर जाके हमने प्लेजरिज्म चेक किया। अब चेक करते हैं इसका क्या हिसाब है। अभी भी आ रहा है क्योंकि हमने फर्स्ट लाइन पे नहीं किया था। इससे हम इसको देख देख के इससे हम रिमूव कर सकते हैं। सबसे बड़ा फायदा ये होता है प्लेजरिज्म का, हमने 100% यूनिक करके अपलोड करना है। और एआई प्लेजरिज्म में आपको पता है ह्यूमन टच किसी भी ब्लॉग के लिए जरूरी है। हम सब एआई का करेंगे तो इस वजह से हमारी साइट्स ब्लॉग होने का अच्छा हो सकता है, क्योंकि ये अभी चेक करें मैंने थोड़ा सा किया और अभी इतना नहीं आ रहा हमें। 6% प्लेजरिज्म आ रहा है, तो वो भी अगर मैं इसको सही से करूंगा आपके सामने, पहले 12% आ रहा था, 6% आ रहा है, तो वो 100% में मैं प्लेजरिज्म फ्री कर सकता हूँ। ये चेक करें, अभी मैंने थोड़ा सा रीराइट किया, अभी इस फर्स्ट लाइन को भी करूंगा तो ये 100% हो जाएगा। तो ये थी आज की वीडियो और ये आर्टिकल हमने लिख लिया। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इस आर्टिकल को हम कैसे वेबसाइट्स पे जाके अपलोड करते हैं और कैसे ब्लॉग लिखते हैं। तो ये थी आपकी वीडियो, इस वीडियो में मैंने आपको डिज़ाइन भी क्रिएट करके सिखाया, उसके अलावा इस टूल के लिए हम वेबसाइट भी बना सकते हैं और हम ब्लॉग भी लिख सकते हैं। तो बहुत ही मज़े की साइट है, इसके ऊपर जाएं और इसको ब्रीफली अपने थ्रू अंडरस्टैंड करें। मेरा काम था आपको समझाना, बाकी आप जाएं और इसको ब्रीफली, आज का आपका टास्क है कि इसको ब्रीफली चेक करें और एक दो आर्टिकल लिखें। और जिस भाई को इस रिलेटेड कोई भी मुश्किल पेश आ रही है मुझसे कमेंट में ज़रूर रब्ता करें, इंशाल्लाह मैं विद इन 10 मिनट्स आपके तमाम क्वेश्चन का आंसर ज़रूर करूँगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपने भाई को दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।